दोस्तों नमस्कार, मैं बीके पाल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि आरसीएम बिजनेस में पैसा आता कहां से है, उसके बाद आरसीएम बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा नेटवर्क आप कैसे क्रिएट कर पाते हैं, और उसके बाद आता है कि ये हमारी जो कंपनी है, जब आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, जब टर्नओवर होता है तो कैसे कमीशन बांटती है, उसको हम देखते हैं। तो दोस्त मेरे पिछले वीडियो को जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज जितना जल्दी हो सके जाकर के उस वीडियो को देखें, क्योंकि अगला जो मेरा वीडियो बनने वाला है, आगे का जो मेरा टॉपिक है वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। तो जब तक पीछे का वीडियो मेरा नहीं देखेंगे तब तक आगे का टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दोस्त अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक है अपना कि कंपनी 45% का जो हिस्सेदारी है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती है। तो दोस्त 45% के हिस्सेदारी को कंपनी 3 पार्ट में बांट करके डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें पहला 32% कंपनी देती है परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा 8% कंपनी देती है रॉयल्टी बोनस, और तीसरा 5% कंपनी देती है टेक्निकल बोनस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 32% परफॉर्मेंस बोनस का। तो 32% जो परफॉर्मेंस बोनस है, हमारी कंपनी एक स्लेब के अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो उसका जो स्लेब है उसमें कहती है कंपनी कि 100 रुपया से लेकर के 4,999 रुपये तक का अगर आपका बिजनेस होता है तो कंपनी आपको 10% का हिस्सेदारी आपको देती है। 5,000 का टर्नओवर होता है तो 12%, 10,000 का टर्नओवर होता है ये हिस्सेदारी बढ़कर के 14% का हो जाता है, 20,000 का आपका टर्नओवर होता है तो ये आपका 16.5% का हिस्सेदारी हो जाता है, 40,000 के टर्नओवर पे 19%, 70,000 के टर्नओवर पे 21%, 1,15,000 का जब आपका टर्नओवर होता है तो ये परसेंटेज बढ़कर के 24% हो जाता है, 1,70,000 के टर्नओवर पे आपको 26.5%, 2,60,000 के बिजनेस पे आपको 29%, और यही आपका टर्नओवर बढ़ते बढ़ते जब 3,50,000 का होता है तो कंपनी 32% कमीशन आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। और दोस्त ये जो कमीशन है, ये जो मार्जिन है, ये सिर्फ आपके अकेले के टर्नओवर पे नहीं, आपके संगठन के टर्नओवर पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अब संगठन के टर्नओवर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको हम देखते हैं। तो दोस्त मान लेते हैं कि आप आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए और कंपनी के प्रोडक्ट को और कंपनी के प्लान को अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार के माध्यम से पहुंचाया तो आपका संगठन बना। मान लेते हैं आपका ये संगठन हुआ और ये आपका 20 संगठन हुआ, 2 लोगों से आपका संगठन की शुरुआत होती है। दोस्त दुनिया में किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके दोनों जो पांव है ये सलामत होने चाहिए। इस बिजनेस में भी 2 लेग बनाया गया है, यानी 2 संगठन बनाया गया है। दोनों संगठन का बिजनेस अगर बेहतर है तो आपका बिजनेस, आपका फ्यूचर सलामत है, ब्राइट है। तो दोस्त मान लेते हैं कि आपके जो ये संगठन है, ये संगठन के लोगों के घरों में किसी पार्टिकुलर महीने में 1,10,000 का प्रोडक्ट यूज हुआ, जैसे कि किसी के घर में 1,000 का, किसी घर में 5,000 का, किसी घर में 7,000 का, किसी घर में 2,000 का, यानी ये संगठन के लोगों के घरों का खर्चा जुट करके हुआ 1,10,000। उसी तरह 20 संगठन के लोगों के खर्चा जुट करके हुआ 60,000। तो कंपनी इस दोनों ग्रुप के खर्चे को कैसे बिजनेस में तब्दील करती है, तो दोस्त यहां पर कंपनी कहती है कि ए संगठन का खर्चा प्लस बी संगठन का खर्चा इक्वल टू योर टर्नओवर, यानी योर बिजनेस आपका बिजनेस बन जाता है। तो एक संगठन का आपको टर्नओवर है 1,10,000 प्लस 60,000, ये दोनों जोड़ करके होता है 1,72,000, और जैसे ही 1,72,000 का आपका टर्नओवर होता है तो परफॉर्मेंस बोनस के स्लेब में देखा जाता है तो आपका टर्नओवर पहुंच चुका होता है 26.5% के परसेंटेज पे। और जैसे ही 1,72,000 का 26.5% हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं तो फिगर निकल करके आता है 45,580 रुपया। अब ये 45,580 रुपया जो कमीशन है ये टोटल ग्रुप का कमीशन है, टोटल ग्रुप में बंटना है। इसी 45,580 में आपका भी कमीशन है। आपका कमीशन निकालने के लिए कंपनी यहां पर एक मैथ का उपयोग करती है। उस मैथ में कंपनी क्या करती है कि सबसे पहले ए संगठन के अनुसार ए संगठन का कमीशन एक संगठन में बांटती है,
20 संगठन के टर्नओवर के अनुसार 20 संगठन का कमीशन 20 संगठन में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो दोनों ग्रुप में बटने के बाद जो इनकम बचता है वो आपका नेट परफॉर्मेंस बोनस होता है। तो ए संगठन का टर्नओवर है 1,10,000, स्लेब में अगर देखेंगे तो ये पहुंचा है 21.5% पे, तो 1/10 का 21% होता है 23,580 रुपया। उसी तरह 20 संगठन का जो टर्नओवर है वो है 60,000 का, स्लेब में देखें तो 60,000 के अनुसार 20 संगठन पहुंचा है आपको 19% पे, तो 60,000 का 19% होता है 11,480 रुपया। अब दोनों संगठन में बटे हुए राशि को हम काउंट करते हैं तो होता है 35,050 रुपया। अब दोस्त टोटल जो इनकम बना है 45,580 रुपया, इसमें से कंपनी 35,050 रुपया माइनस करेगी तो बचेगा 10,580 रुपया। यही 10,580 रुपया उस महीने का आपका नेट कमीशन होता है कि जो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक आपके खाते में ट्रांसफर होता है। अब दोस्त ये हमने बताया आपको परफॉर्मेंस बोनस का बांटने का तरीका। तो दोस्त ये 10,580 रुपया आपका हिस्सा होता है, और दोस्त यहीं से शुरू होता है डायरेक्ट सेलिंग में इंसान के सफलता की कहानी। ये कैसे सफलता की कहानी यहां से आपकी शुरू होती है उसको हम देखते हैं कि दोस्तों जैसे ही 10,530 रुपया आपके घर में इनकम आता है तो किसी के घर में 4,000 रुपया इनकम जाता है, किसी के घर में 3,000 रुपया इनकम जाता है, किसी घर में 2,000 रुपया इनकम जाता है, किसी के घर में 1,000 रुपया इनकम जाता है, किसी घर में 500, किसी घर में 700 रुपया। ये इनकम लोगों के घरों में बढ़ता है क्योंकि ये 23,650 और 11,400 ये संगठन में ही बटा है। और दोस्त अब विचार करें कि आपके संगठन के लोगों के घरों में 4,000, 3,000, 2,000, 1,500, 1,000 मजबूरी के किए गए काम से, क्योंकि नहाना अपनी मजबूरी है, खाना अपनी मजबूरी है, कपड़ा पहनना अपनी मजबूरी है, और मजबूरी के किए गए काम से जब संगठन के लोगों के घरों में इनकम आनी शुरू हो जाती है तो ये संगठन रुकता नहीं है। अब ये संगठन यहां से एक गति लेता है और धीरे धीरे फास्ट गति से ये बढ़ना शुरू कर देता है, और जैसे ही बढ़ना शुरू कर देता है हम सारे लोग मिलकर के संगठन के लोगों को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनको आरसीएम बिजनेस में शामिल करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो टर्नओवर और बढ़ता है। और जैसे ही टर्नओवर बढ़ते बढ़ते जब ए संगठन का टर्नओवर 3,50,000 रुपया हो जाता है और बी संगठन का टर्नओवर 1,15,000 रुपया हो जाता है तो कंपनी आपको दूसरी इनकम भी देनी शुरू कर देती है जिसको हम बोलते हैं रॉयल्टी बोनस। और रॉयल्टी के बारे में बता दें कि रॉयल्टी इनकम एक ऐसा इनकम है जो जिंदगी के साथ भी मिलता है और मरने के बाद भी मिलता है, यानी हम काम कर रहे हैं तो ये इनकम हमें मिलेगा ही मिलेगा। कल के डेट में हम काम करना बंद भी कर देते हैं या दुनिया में नहीं भी रहते हैं तो दोस्त ये इनकम हमारे बच्चों को आनी शुरू हो जाती है, वो इनकम कंपनी यहां पर हमें देती है। और जैसे ही हम रॉयल्टी के परसेंटेज पे जाते हैं यानी 3.5 लाख ए संगठन से और 1,15,000 बी संगठन से अपने टर्नओवर को हम क्रिएट कर लेते हैं तो कंपनी रॉयल्टी बोनस देती है और ये शुरू करती है 3% से। और जैसे ही 3% हम रॉयल्टी के इनकम पे जाते हैं तो हमारा मिनिमम जो इनकम बनता है वो 25,000 रुपया महीना से ज्यादा की इनकम हमारे अकाउंट्स में आने शुरू हो जाते हैं। और दोस्त जैसे ही 25,000 रुपया से ज्यादा का अमाउंट हमारे अकाउंट्स में आपके अकाउंट्स में आने शुरू हो जाते हैं तो संगठन एक और गति लेकर के काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि 25,000 रुपया जब हमारे और आपके खाते में आने शुरू हो जाएंगे तो ये 4,000 जिसके खाते में आ रहे थे 4,000 बढ़कर के 24,000 हो जाएंगे, 3,000, 23,000, यानी अब आपके संगठन के लोगों के घरों में भी इनकम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और 25,000 रुपया जब संगठन के लोगों के घरों में इनकम आनी शुरू हो जाएगी उसके बाद दुनिया की कोई ताकत भी आपके संगठन को रोक नहीं सकती है। ये संगठन कल तक ये चल रहा था, दौड़ रहा था, अब उड़ना शुरू कर देता कर देगा, और जैसे ही उड़ना शुरू करेगा आपका टर्नओवर और बढ़ेगा। हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों के हक को बताएंगे और टर्नओवर को और बढ़ाएंगे। बढ़ते बढ़ते टर्नओवर जब 5 लाख ए संगठन का 5,20,000 संगठन का होना शुरू हो जाता है तो कंपनी तीसरी इनकम भी देनी शुरू करती है, टेक्निकल बोनस, जो 1% से शुरुआत करती है। और जैसे ही 1% का टेक्निकल बोनस कंपनी आपको देती है जो मिनिमम अमाउंट होता है 50,000 रुपया महीना,
जो आपके खाते में आने के लिए तैयार होता है, और जैसे ही टर्नओवर और हम आगे हमारा बढ़ता है, ये इनकम 50,000 रुपया तक सीमित नहीं रहता है। धीरे धीरे जैसे ही टर्नओवर बढ़ता है, हमारा इनकम भी बढ़ करके लाखों में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपको बताया कि हमारी जो कंपनी है ये 45% की हिस्सेदारी को संगठन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो दोस्त, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि आगे जो भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास जाए। और दोस्त, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाएं, ये वीडियो आपका कैसा लगा उसके बारे में लिखें, और आगे किस टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं हमको सजेशन दें। हमेशा हम आपके लिए तैयार हैं, हमेशा हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्त, थैंक यू, जय हिंद, जय आसिया।